शोहरत, अगर कोई शिष्य बहुत ऊंचा है, बड़ी पदवी पे है, तो गुरु चाहेगा कि ये मेरा शिष्य बन जाए। ये बात पार्वती को समझा रहे हैं कि ऐसे बहुत गुरु है, महावा संति शिष्य वित्त अपहरता, हरण करने वाले मिल जाएंगे। दुर्लभा सदगुरु देवी, बड़ा दुर्लभ है वो सदगुरु। इस सदगुरु और गुरु में क्या अंतर है, ये गुरुदेव ने हमें समझाया था। दुर्लभा सदगुरु देवी शिष्य संताप हरता, शिष्य का जो संताप है, ये त्रिभौतिक संताप जो है, अधिभौतिक, अधिदैविक और अध्यात्मिक, ये शिष्य को तड़पा रहा है इस संसार में। ये अधिभौतिक क्या है, जो दूसरी जीवात्माएं हमें देती हैं। अधिदैविक क्या है, दूसरे देवी देवता हमें देते हैं, जैसे महामारी फैल जाती है, ये सब दूसरे देवी देवता दे रहे हैं, हमने इसको बहुत अच्छी तरह देखा। और अध्यात्मिक, ये शिष्य के शरीर और बुद्धि से जो उसको मुश्किल मिलती है, हर मिनट तो ये तड़प रहा है शिष्य। सदगुरु वो है जो उसको सद से मिलवाता है। सदगुरु और गुरु में, ये गुरु ने देव ने बताया कि सदगुरु सद से मिलवाता है। सद क्या होता है, सद होता है सद चित और आनंद। गुरु उसको अंतरंगा शक्ति भगवान की उस सद चित और आनंद से उसको मिलवाता है, इसको गुरु बोलते हैं। गुरु क्या करेगा हमें उस, जैसे अभी महाराज बोल रहे थे कि मंजिलिस जो स्वरूप हमारी परंपरा में आया है, हम एक शिष्य को गुरु उसका स्वरूप देता है, वो स्वरूप सत चित और आनंद से उसको मिलाता है। ये शरीर कैसा है, ये असत है, अचित, ये अज्ञानता में है और आनंद नहीं है, इसमें दुख ही दुख है। गुरु क्या करेगा, सदगुरु क्या करेगा, गुरु नहीं सदगुरु क्या करेगा, सत चित मतलब ज्ञान और आनंद से मिलवा देता है एक शिष्य। मैंने ये देखा गुरुदेव के साथ रहते हुए कि एक गुरु के दो स्वरूप समझ लीजिए, एक होता है उसका तटस्थ लक्षण और एक होता है उसका स्वरूप लक्षण। तटस्थ लक्षण क्या है, मैं गुरुदेव के साथ चल रहा हूं और मेरी आदत थी कि मैं, क्योंकि प्रश्न पूछता था मैं गुरु से, गुरुदेव मुझे ढूंढते थे सुबह सुबह, कभी भी जाते थे तो पहले वो ढूंढते थे, तो वो चाहते थे कि मैं कोई प्रश्न पूछूं। कई बार गुरुदेव ने पहले ही मुझे प्रश्न बोला होता था, ये पूछना, सब लोग होंगे तुम ये पूछना, तो गुरुदेव हमेशा उत्साहित रहते थे। तो एक दिन मैं गुरुदेव के साथ चल रहा था, गोवर्धन की बात है, और गुरुदेव को पता है, और गुरुदेव का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। हम गुरुदेव के साथ चल रहे थे, गुरुदेव का हाथ मेरे कंधे पे था, वो धीरे धीरे चल रहे थे स्वास्थ्य ठीक ना होने की वजह से। तो उन्होंने, तब मैंने एक कुत्ते को देखा जो इसका गला कटा हुआ था, खून निकल रहा था, सुबह सुबह का समय था। मैंने गुरुदेव से कुछ पूछ, उसकी तरफ मैं देख रहा था, लेकिन इससे पहले कि मैं पूछूं, गुरुदेव ने मेरे कंधे को खींच लिया कि उधर मत देखो। मैंने सोचा कि मैं तो गुरुदेव से कुछ पूछने लगा था कि इतनी जीवात्माएं तड़प रही हैं, इसका क्या होगा, ये कुत्ते के जीवन में ये, और आपके दर्शन इसने करे, सामने से निकला। गुरुदेव ने कुछ नहीं बोला, उल्टा खींच लिया कि तुम अभी उसको मत देखो। मेरा कंधा ऐसे खींचा, मैं ऐसे हो गया और वो चला गया। कुछ ही देर दूर के बाद गुरुदेव वहां पे जाकर बैठ गए, सड़क के पास में एक छोटा सा जगह थी, वहां पे सड़क के ऊपर ही बैठ गए। गुरुदेव ने बोला, अच्छा पूछो। तो जब मैंने उस कुत्ते के बारे में जैसे ही बोलने लगा, तो गुरुदेव ने खुद बोला, इदम शरीरम परिणाम पिछलम पतति अवश्यम शत संधि चर चरम। मुझे ये श्लोक आता नहीं था, लेकिन जब गुरुदेव ने बोला मैंने इसको याद किया। ये मुकुंद माला स्तोत्र का राजा कुलशेखर का श्लोक, पतति अवश्यम शत संधि चर चरम किम औषधि मूढ़ दुर्मते निराम्यम कृष्ण रसायन पिबा। ये गुरुदेव ने मुझे बोला, उसके बाद बोला, देखो अगर देखना है तो इस संसार में बहुत दुख है, अगर देखना ही है तो संसार में बहुत दुख है, उसके बारे में हम क्या बात करें। कहते इदम शरीरम, ये शरीर एक दिन तेरे हाथ से निकल जाएगा। इदम शरीरम परिणाम इसका क्या है, पिछलम, ये जाएगा तेरे हाथ से, तू कुछ नहीं इसको रोक सकता, ये भाग रहा है तेरे हाथ से। इदम शरीरम परिणाम पिछलम, गुरुदेव की स्वास्थ्य खराब होने की वजह से वो बोल रहे हैं, ये मत सोचो कि ये मेरे साथ होगा, ये तुम्हारे साथ भी होने वाला है। परिणाम पिछलम पतति अवश्यम, ये पक्का है कि तू इसमें गिर जाएगा। किम औषधिम,
तू किस दवाई के ऊपर, किस औषधि का तू सोच रहा है, किस औषधि के ऊपर तू विश्वास कर रहा है कि तू अमर हो जाएगा, किन औषधि मूड ये पागल बुद्धि दुर्मते, तेरी दुर्मति है कि तेरा पैसा तेरे को बचा लेगा, तेरा ये शरीर तेरे को बचा नहीं सके, तू नहीं बचा सकेगा, किन औषधि कि कृष्ण रसायन विवाह, कृष्ण की औषधि रस का रस पी ये तेरे को बचाएगा। कहते हैं इस संसार का दुख नहीं देखो, ये होता है सदगुरु जो सद चित आनंद से हमें मिलाता है। जब तक जीव उनसे नहीं मिलेगा तो क्या है, कृष्ण नित्य दास जीव ताहा भूली गए लो। चैतन्य चरितामृत में उन्होंने ये बोला, कृष्ण नित्य दास, हम भगवान के नित्य दास हैं। अब वो कौन से दास हैं, हम दास हैं, वत्सल सखा है, वात्सल्य है, किस भाव में हम भगवान से संबंध है ये गुरु देता है। जैसे हमारे महाराज जी ने इस बात को करा कि मंजरी स्वरूप को देते हैं, ये मंजरी स्वरूप क्या है, ये गोपी भाव में गोपियों के अनुगत में उस कुंज सेवा में, ये हमारी परंपरा हमें सिखा रही है, यही हमारा दीक्षा होती है। कहते कृष्ण नित्य दास जी तहा भूली गए लो, यही दोषे मायादार गलाए बांधी लो। हम भूल गए कृष्ण को, इसलिए ये माया हमें इस संसार में लपेट लपेट के मार रही है बार बार। तहा भूली गए लो, यही दोषे मायादार गलाए बांधी लो। ताते कृष्ण भजे करे गुरु सेवन, आप भगवान का भजन कैसे करेंगे, गुरु के अनुगत में करेंगे। ताते गुरुर सेवन माया जाल छूटे पाए कृष्ण ने चरण। तो हमारे हर कम, हमारे हर श्लोक, हमारी रीढ़ की हड्डी, हमारे जिसमें हम खड़े हुए हैं, हमारी भक्ति जो है ये गुरु तत्व पे है। जब तक हम इस गुरु तत्व को नहीं समझेंगे तब तक हम इस पूरे सब राज्य में नहीं घुस सकते। महाराज ने मुझे घंटी तो बजा दी है, एक बात जो मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ, गुरुदेव बड़े गंभीर थे इस बात के लिए। एक दिन मैं चल रहा था, सारे मठवासी थे मेरे साथ। एक दिन महाराज जी ये बड़ी जरूरी बात है, मैं साथ में चल रहा गुरुदेव के, एक मैं ही था जो मठ में नहीं रहता। गुरुदेव ने सुबह सुबह इस बात को चलते हुए करा, मैंने अपने घर को छोड़ा। ये गुरुदेव बोल रहे हैं, साथ में माधव महाराज खड़े हैं, हमारे ब्रजनाथ प्रभु ये सारे हमारे साथ थे, हम टेम्पियर नगर की तरफ जा रहे हैं मंदिर से। गुरुदेव बोलते हैं, मैंने अपने घर को छोड़ा था, मठ में मठ के लिए नहीं छोड़ा था, मैंने अपने घर को मठ के लिए, मठ में आने के लिए नहीं छोड़ा था, मैं मठ मंदिर के लिए नहीं आया था। तो मैंने सोचा कि गुरुदेव ये किसको बोल रहे हैं, सारे तो मठवासी हैं, एक मैं ही हूँ जो बाहर रहता हूँ। गुरुदेव साथ में चले जा रहे थे, तो गुरुदेव मुड़े और सारे भक्त तो खड़े हो गए। जब एक मिनट के लिए रुके, कहते देखो मैं मठ मंदिर के लिए नहीं आया, जिस दिन मुझे ये पता चलेगा कि ये मठ मंदिर उन सिद्धांतों पे नहीं चल रहा है जो मेरे गुरुदेव दे के गए हैं, मैं मठ मंदिर छोड़ दूंगा, मैं मठ मंदिर छोड़ दूंगा जिस दिन मुझे ये पता चलेगा मैं अपने गुरुदेव के लिए आया था, मैं अपने गुरुदेव के लिए आया हूँ, मैं मठ मंदिर के लिए नहीं आया हूँ। और जिस दिन ये मठ मंदिर में वो सिद्धांत नहीं रहेंगे मैं मठ मंदिर छोड़ दूंगा। गुरुदेव ने ये करके दिखाया कि अगर कोई मठ के सिद्धांतों पे नहीं चलेंगे, गुरुदेव ने अपने ही हृदय से उन मठों को प्रकट कर दिया और अपने हृदय से ऐसे मठ प्रकट करे। उन्होंने कहा कि गुरु जो आचार्य होता है वो मठ से नहीं, वो स्वयं मठ होता है, वो स्वयं मठ को प्रकट करता है। हमारी पूरी परंपरा, हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने किसी मठ से नहीं निकले, खुद मठ बनाए। आप देख लीजिए हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, किसी वो उनके गुरु ने उनको नियुक्त नहीं किया था। तो ये गुरुदेव के शब्द है कि गुरु कभी नियुक्त नहीं किया जाता, ये गुरुदेव के शब्द है, गुरु स्वयं प्रकट करता है। हमारे भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, वो किसी मठ मंदिर में नहीं, स्वयं उन्होंने प्रकट किया। हमारे भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज, हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, परम गुरुदेव, इन्होंने खुद मठ को प्रकट किया। तो गुरु मठ से नियुक्त नहीं होगा, वो स्वयं आचार्य प्रकट होता है। तो ये कुछ सिद्धांत है, हमें उन सिद्धांतों पर चलना है। हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने यहाँ तक, जब आखिरी में जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपनी नित्य लीला में जाने लगे, उन्होंने एक बात बोली, मैंने 64 मठ बनाए, मैं इन सबको सारा संगमरमर इसका बेच दूं, अगर एक शुद्ध भक्त मैं पैदा कर सकूं, उन मैं सब बेच दूं। वो इतने थे, वो जानते थे कि
एक शुद्ध भक्त पैदा करना कितना मुश्किल है। तो आज हम गुरुदेव के उन सिद्धांतों को चलते हुए उनके चरणों में प्रणाम करते हैं कि ऐसा निष्ठा हमारे गुरुदेव के चरणों में हो और वही सिद्धांतों पे हम अपने जीवन को चले। जय गुरुदेव, जय गोविंद। नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में अनंत कोटि धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। यह तो कृपा की वांछा करता हूँ। हम लोग का परम सौभाग्य आज अपने परमाराध्यतम गुरुदेव की व्यास पूजा के अवसर पर यहाँ एकत्रित हुए हैं, उनकी महिमा का श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। से गुरुदेव के शिष्य जिन्होंने उनका बहुत संग किया है यहाँ उपस्थित है और गुरुदेव की महिमा को वो अच्छे से जानते हैं। तो अधिक संग कर नहीं पाया गुरुदेव पर, बड़ा दुर्भाग्य हूं, ऐसा शुभ अवसर मिला परंतु अधिक संग नहीं कर पाया। फिर भी गुरुदेव बड़े दयालु हैं, मेरे जैसे पतित को उन्होंने अपना चरण आश्रय दिया। गुरुदेव का जो शिष्य बनाते थे इसलिए एक ही उद्देश्य होता था, भक्ति मार्ग का, वो भी जो महाप्रभु ने सिखा जीवों के लिए, मंजरी भाव की भक्ति थी। गुरुदेव के चरणाश्रय जितने भी हैं सबसे, चाहे वो तत्व को जानते हैं या नहीं जानते, एक बात अवश्य जानते हैं, हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है, राधा दास, ये तो जानते हैं। सन्यास भी जो आता है वो भी यही जानता है, तो गुरुदेव वही देते हैं। मैं जब पहली बार गुरुदेव के पास आया मथुरा मठ में, रामचंद्र प्रभु के साथ गया था जन्माष्टमी के बाद एकादशी, तब मैंने गुरुदेव से प्रार्थना की आप अपना चरण आश्रय दीजिए, मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए। उससे पहले मैं 6 साल इस कॉन में रहा, तब तब आया गुरुदेव के पास कि मैं बड़े समय से ढूंढ रहा था तो ऐसे जो है शुद्ध गुरु मिले, तो ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचा था। कहते देखो, तुम्हें अगर धन की इच्छा है तो वह इस्कॉन में चले जाओ वापस, और भक्ति चाहते हो तो मेरे पास आओ। उस समय मेरी आर्थिक स्थिति भी थोड़ी गड़बड़ थी, तो मैंने गुरुदेव से कहा, मैं गुरुदेव आप तो दोनों देने में सक्षम है, भक्ति भी दे सकते हैं और धन भी दे सकते हैं। कहने लगे देखो, मुझे तुम अच्छे से परख लो, ऐसे जल्दी मत करो। मैंने कहा गुरुदेव बहुत विचार करके हैं, आपके ग्रंथ पढ़े हैं, आपके विषय में तो सुना है, तो बहुत विचार करके ही आया। तो फिर गुरुदेव कुछ बोले नहीं और 3 महीने बाद ही कार्तिक के अंत में गुरुदेव ने कृपा करके मुझे दीक्षा दी और अपने चरण आश्रय दिया। तो गुरुदेव से ऐसे ही हमें तो उस समय नए नए तो जानते नहीं, कैसे गुरु से बात करनी थी, उनकी महिमा नहीं जानते। अभी भी कुछ कुछ समझ में आ रही, वो भी अपने
वैष्णव से गुरुदेव को सुनकर कि गुरु की महिमा क्या होती है, तब तो साधारण संसारिक व्यवहार होता है। एक दिन हम कार्तिक परिक्रमा मंदिर जो है वहां स्थान पे गए हुए थे, तो गुरुदेव खड़े थे और अभी कोई लोग ज्यादा नहीं आए थे, पीछे परिक्रमा पीछे से आ रही थी, तो मैं गुरुदेव के साथ ही खड़ा था। तो हमारा एक जैसे आदत होती है बोलने की, ना गुरुदेव कृपा करो, सब कहते हैं कृपा करो, जानते नहीं कृपा क्या चाहिए, क्या मिलेगा, कृपा क्या होती है। मैंने बोल दिया नहीं नहीं आया था कुछ जानते ही, बोले कर दो तेरा सब संसार सब खत्म हो जाएगा, पैसा धन सब चला जाएगा। डर गया, पीछे हट गया। परंतु गुरुदेव ने जो शब्द कहा वो वास्तव में सत्य है, थोड़े ही समय में सब कुछ संसार से मुझे निकाल लिया और अकेले रहने का आदेश दिया, अकेले रहो। और गुरुदेव की कृपा से कोई भी समस्या पूरी नहीं, सब संसार ऐसे छूट गया एक क्षण, ऐसे जैसे सांप अपनी केंचुली छोड़ता है ना, उसको कोई कष्ट नहीं होता, ऐसे मेरा भी सारा संसार ऐसे छूट गया, मुझे पता ही नहीं चला कि गुरुदेव की कृपा है। किसी करनी हो और अपनी चरणों की सेवा दे दे। और उन्होंने देखो गुरुदेव किसी से कुछ भी करवा सकते, ये नहीं सोचे हमारी योग्यता जैसी होगी हम सेवा करेंगे, गुरुदेव किसी से कुछ भी करवा सकते। और मैं जब अपने समय में संसार में रहता था, लिखने के बहुत आलस, लिख नहीं सकता किसी को, मुझे कौन है पत्र लिखना है, और पत्र लिखने में मैं सोचता रहता था क्या जल्दी है, कल कर लेंगे परसों कर लेंगे, जब तक सर पे पानी ना नाक ना आए तब तक फिर लिखता ही नहीं था, आता नहीं मुझे वो काम ही नहीं आता। और उसी सेवा में लगा, एक ग्रंथ का अनुवाद करो और वो दे दिया और वही करवा दिया, कितने ग्रंथ उन्होंने करवा दिए, ये सब उनकी कृपा है। मुझे कुछ नहीं आता, बंगला से हिंदी में अनुवाद करना, बंगला भाषा ही नहीं आती, मैं तो पंजाबी, वो कैसे हो गया, ये सब गुरुदेव करवाते हैं। इसलिए हम कभी ये सोचे हम अपनी योग्यता से सेवा करेंगे और गुरुदेव को प्रसन्न करेंगे, ये संभव नहीं है। वो किसी से कुछ भी करवा सकते, अपनी कृपा दे के अपनी शक्ति दे के सब कुछ करवा सकते, और जिसमें हमारा अभिमान होता है ना कि हम ये योग्य हैं, तो गुरुदेव कभी कभी कृपा करके उस अभिमान को भी तोड़ देते। मैं आपको बताता हूँ, मुझे बड़ा अभिमान था, मैं बहुत बड़ा इंजीनियर संसार में माना जाता था अपने समय, तो गोवर्धन मठ बना, मैंने उसमें जिम्मेदारी ली, साउंड सिस्टम सारा मैं लगाऊंगा, मैं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, तो गुरुदेव का ठीक है, जब पहली बार लगा दिया लाके अपनी तरफ से और चलाई नहीं थी, हर रोज आवाज ही नहीं आ रही ठीक से, ये नहीं चल रहा मुझे, तो गुरुदेव ने मुख परिक्रमा को इसके बाद मुझे बोला देखो तुम मुनि महाराज के साथ जाओ दिल्ली में, ये जो सामान कहे वो खरीद के लाना और लगाना। अब मुनि महाराज इंजीनियर नहीं है, जानते हो मुनि महाराज जी का ना, हमारे बहुत अच्छे भक्त हैं, उनके साथ में गया, उन्होंने जो जो सामान खरीदा हम ला के लगाया, बहुत अच्छा चल गया। तो देखो गुरुदेव हमें ये शिक्षा देते हैं, किसी भी अपनी योग्यता का अभिमान मत करो, तो सेवा कर पाओगे, ये गुरु कृपा से ही होता है कोई भी सेवा। और हम सोचे हम योग्य बन के करेंगे तो सब में हमको गुरुदेव क्या करते हैं, दे देते हैं, हम सिखाते हैं, तुम जिसमें हीरो समझते हो तुम वो जीरो, और जिसमें जीरो हम हीरो बना दो, तो ये गुरुदेव की कृपा होती है, वो कुछ भी करवाते हैं, अपनी शक्ति उनके अंदर योग्यता है किसी के अंदर भी संचरित करेंगे और वो करेंगे। गुरुदेव की तो खैर महिमा अनंत है, समय हो गया, अरे राम जी का देखो, और गुरुदेव के चरणों में उनको चिरंतन प्रणाम करते हैं, कि कृपा बनी रहे प्रार्थना, और आप सभी वैष्णव से आप मेरे को कृपा करें, हरि गुरु वैष्णव की सेवा कर सकें।
वाचा का कृपा से तुम्हारे पति का नाम पावन कृष्ण जो लेकिन प्रभु ने सब छोड़ करके वृंदावन में वास किया और हमारे संप्रदाय में सबसे जो रसी सबसे जो सिद्धांत पूर्ण ग्रंथ श्री चैतन्य चरितामृत जिस ग्रंथ के लिए प्रभुपाद कहते थे ऐसे कौन सा एक ग्रंथ इस जगत में रहे अगर और सारे ग्रंथ अगर अंतर ध्यान हो जाए जो एक ग्रंथ पूरी समस्त ग्रंथ के अभाव को पूरी करेगा। प्रभुपाद का प्रश्न किया किसने वेद बोला किसने भागवत बोले किसने चैतन्य भागवत किसने उपनिषद गीता अलग अलग बात बोले तो प्रभुपाद कहते नहीं अगर ये चैतन्य चरितामृत और ये श्रीमद् भागवत अगर दो ग्रंथ रहे तो ये समस्त अभाव का ये दोनों ग्रंथ पूरी करेगा। तो प्रभुपाद कहते हैं अगर भागवत ग्रंथ भी अंतर ध्यान हो जाए लेकिन अगर एक श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ अगर इस जगत में रहे ये सारी अभाव को एक ग्रंथ पूरी करेगा। लेकिन अभी तक तो हिंदी भाषा में हमारे प्रभुपाद के टीका के अनुरूप सही सही नहीं था कई प्रभुपाद की मान इच्छाओं को गुरुदेव का आदेश प्रभुपाद लेकर गए थे इतने कठिन ग्रंथ जिसमें प्रभुपाद भक्तिविनोद ठाकुर का जिसमें टीका है प्रभु जी उसी ग्रंथ को प्रभु ने उन्हें अनुवाद किया मतलब हमारी बहुत बड़ी हमारे संप्रदाय की धारणा को प्रभु रख गए इसलिए ताली बजाओ प्रभु जी इतने सेवा। आप चैतन्य भागवत ग्रंथ को भी अभी प्रभु जी उसको भी प्रभुपाद भक्तिविनोद ठाकुर टीका के अनुरूप अभी प्रभु उसको भी अभी प्रभु ट्रांसलेशन कर रहे हैं इसलिए प्रभु इनके ऊपर भी गुरु जी की बड़ी कृपा है। हमारे बीच में श्री डॉक्टर श्री अच्युतलाल भट्ट जी ये गुरु जी के अत्यंत अत्यंत प्रिय प्रिय है। गुरु जी बहुत अपना पास में बैठाया करते थे और रूप गोस्वामी का तिथि में इनको प्रधान अतिथि बनाया करते थे गुरुदेव जी की इसलिए अभी आप बैठे इसलिए प्रभु जी उन्होंने PhD हमारे समस्त ग्रंथ में किया है समस्त गौड़ीय ग्रंथ में जिनका सूक्ष्म जो विचार है ये समस्त ग्रंथ में प्रभु जी का प्रवेश है गौड़ीय सिद्धांत ऊपर में इसलिए इनकी जो पिताजी रहे बहुत बड़े इनका जो पिताजी थे अभी बड़े धुरंधर विद्वान थे इसलिए अभी गुरु जी बड़े प्रेम करते थे गुरु जी के अवदान वैशिष्ट्य को ऊपर में श्री अच्युतलाल भट्ट जी कुछ उसमें अब व्यक्त करें। यस्य प्रसादा भगवत प्रसाद यस्य आत्मसादा लगति कुतोपि ध्यायन स्मरण अस्य यशस्वी संदेहं वंदे गुरु श्री चरणारविंद। कर्ण का विकृत कर्ण का द्युति वर्ण का पद्म युक्त गैर का बेच का मनस मेच का स्तुते मेच का भरण भारण तन सुंदर श्लोक है आस्वादन करने लायक श्लोक है। कर्णकार श्री श्याम सुंदर ने अपने कामों में सुंदर कर्णकार पुष्प जो है उसको धारण कर रखा है। कर्णकार द्युति ऐसी श्री शांत की अपनी शोभा है। वर्ण का पद नियुक्त गैन का उनके श्रेण के ऊपर जो चित्राम हो रहे हैं वो केरों से चित्राम हो रहे हैं। वर्ण का पद नियुक्त गैन का वर्ण का के रूप में केरू उससे उनके पत्रावधि हो रही मेच का मनस मेच का स्तुति श्री श्याम सुंदर की जो नील कांति है
वो मेरे मन में उदित हो। मेच का भरण धारण तन उन्होंने धारण भी कर रखा है। मेच का भरण माने मयूर पंख अपने मस्तक के ऊपर धारण कर रखा है, वो उनकी अपूर्व शोभा है। श्री रूप गोस्वामी माँ का वो उनके वृंदावन का एक परम सुंदर श्लोक। श्री महाराज जी के 101वें जन्म दिवस के इस अवसर पर हम लोग अत्यंत अत्यंत आनंदित हैं। उनका शताब्दी जन्म महोत्सव हम आनंद मना रहे हैं और ये हमारे हृदय में अत्यंत उल्लास और प्रेरणा प्रदान कर रहा है। आज तो मैं पूरे समय बैठता परंतु एक सीन कार्य आ गया है, दूसरी जगह सेवा है। श्रीमती पार्वती की आज सप्ताह शुरू होने वाली है। सिद्ध श्री चंद्रशेखर दास बाबा जी महाराज उनका उत्सव पर वो सेवा है, इसलिए वहाँ पर जाना है। इसलिए पहले से यहाँ पर ये सेवा करने के लिए प्रस्तुत हुआ, परंतु वंचित रह जाऊँगा श्री महाराज श्री के श्री श्री भक्तिवेदांत श्री नारायण महाराज जी के दिव्य गुणानुवाद को श्रवण करने का जो सौभाग्य था उससे वंचित रह जाऊंगा, परंतु क्या करूँगा, जाने की चलती है। हम लोगों को श्री महाराज जी ने अपूर्व अवदान दिए, उनके कुछ जो महिमा है वो अद्भुत है। उनकी सबसे बड़ी महिमा है कि उन्होंने उन ग्रंथों का प्रकाशन किया जो ग्रंथ आधार थे, और उन आधार ग्रंथों में अभी अभी श्री श्री महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही कि जैसे कि प्रभुपाद ने कहा कि सारे ग्रंथ यदि काल के प्रभाव से लुप्त हो जाए और एक चैतन्य चरितामृत ग्रंथ रह जाए तब भी भारतीय मनीषा और ज्ञान का कोई भी हानि नहीं होगी, वह जीव पर। और हमारे परम प्रिय श्री गोकुलचंद प्रभु ने उन ग्रंथों का उसमें जो आचार्यों की जो पद्धति थी, आचार्यों की जो विचार थे, उनको जिस तरह से अनुवादित किया, मैंने उन ग्रंथों को देखा है उनके अनुवाद को, और उसके लिए उनका बहुत बहुत अभिनंदन कर रहा हूं। तो ये एक बहुत बड़ा काल है, एक स्थाई कालजयी काल है श्री गोपचंद प्रभु ने किया है, उसके लिए उनका अभिनंदन। और विशेष रूप से आज श्री महाराज जी के जन्मदिन के मौनी अमावस्या के इस अवसर पर मुनियों का जो कार्य है, मननशीलता का जो कार्य है, मुनि कहेंगे जो मननशील हो, उस मननशीलता का जो कार्य है, उस कार्य को श्री महाराज जी ने करवाया। निरालंबो यथा लोके स्थान विश्वस्त उच्यते, एक बात कही गई कि यदि किसी वस्तु को आधार नहीं मिले, आलंबन नहीं मिले, तो आलंबन न मिलने पर वो वस्तु स्थान भ्रष्ट हो जाती। इसी प्रकार यदि हम निगोरे हैं, गुरु का आश्रय ग्रहण नहीं किया गया है, तो हम निरालंब होकर के स्थान भ्रष्ट हो जाएंगे। भगवत तत्व का बोध कराने वाला तत्वतः आचार्य गुरु है श्री जीव गोस्वामी जी। वैष्णव कोशनी में एक बात कहते हैं कि आचार्य
आत्म तत्व का उपदेशक प्रधान उपदेशक है, मोक्ष उपदेशक है, आत्मा अनुपदेशक है, दोनों चाहिए। आत्मा भी चेतन है और श्री आचार्य भी चेतन है, परंतु आचार्य जब उपदेश प्रदान करेंगे तो वे साधक के हृदय में जो आत्मबोध है उस आत्मबोध को भी उत्पन्न करेंगे और तब वह श्री गुरुदेव के अनुसार उस वस्तु को प्राप्त करेगा। बहुत संक्षिप्त में श्रीमद् महाराज जी श्री गुरु, मैं तो बड़ा अंकृत हूं कि उन्होंने मुझे भी कृपा करके अपनाया और अपनी कृपा से मुझे कृतकृत किया, इतना स्नेह प्रदान किया इस बालक को कि मैं धन्य हूं। अत्यंत स्नेह प्रदान करते हुए वे सदा प्रेरणा प्रदान करते रहे और उनके साथ में लगभग सन 85 से कहीं ना कहीं जुड़ा। श्री नारायण महाराज श्री रमण मित्र उनके उस मधुरतम स्वरूप को क्या निरूपण किया जाए, उनका एक योगदान मैंने रेखांकित किया वो है ग्रंथों का प्रकाशन और उन ग्रंथों में भी उन ग्रंथों को ग्रहण किया जिन ग्रंथों को छूने में लोग बात डर रहे थे। ऐसे जो रस के ग्रंथ हैं उनको उन्होंने अपने परकर को, जो योग्य परकर है इस योग्य परकर को पहचाना और उनको उसमें नियुक्त किया। शास्त्र कहते हैं कि जगत में अमंत्रो अक्षरो नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम, अयोग्यो पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभ। जगत में कोई भी अक्षर मंत्र नहीं हो ऐसा नहीं है, प्रत्येक अक्षर मंत्र है। प्रत्येक घास का जरा सा टूक वो भी किसी न किसी रोग की औषधि है और जगत में अयोग्य कोई पुरुष है ही नहीं, सब पुरुष योग्य है, परंतु किसमें क्या योग्यता है इस योग्यता को पहचानने वाला और उस योग्यता का प्रयोग करने वाला दुर्लभ। वस्तु उपलब्ध है, योजक स्तर दुर्लभ, जो योजक है वो दुर्लभ है, अन्यथा यानि कामि च मूलानि येन केन च पीषे यस्मै कस्मै च दातव्य भविष्य। ठीक है, कोई सी जड़ लो किसी के साथ नहीं पीस दो, कोई भी रोगी आए उसको दे दो तो जो होगा सो होगा। तो योजक जो है वो योजक की सबसे बड़ी महिमा श्री भारत जी की ये दूसरी विशेषता थी कि उन्होंने योजकों को उपस्थित किया। भारत जी की एक तीसरी अद्भुत विशेषता रही, वो अद्भुत विशेषता ये रही कि उन्होंने जीवन के परम लक्ष्य को सामने रखकर उस लक्ष्य की ओर अपने पूरे परिकर को उपस्थित किया और उसमें प्रवृत्ति किया। एक भीड़ इकट्ठी कर लेना एक अलग बात है और विद्वत समुदाय को, योग्य समुदाय को उचित रूप में स्थापित करना, उनको चुनना और उनको उस कार्य में प्रेरणा प्रदान करना, ये एक अलग बात है। चाहे चित्रकारी का क्षेत्र हो, सुंदर सुंदर चित्र, क्या नाम है उनका, श्याम रानी अद्भुत चित्र जो भावनापूर्ण चित्र है, उन चित्रों को प्रेरित करने में, उन चित्रों की रचना करने में उन्होंने उनको प्रेरित किया। इतने सुंदर भावनात्मक चित्र। इसी तरह से श्री श्रीमद् भागवत
श्री श्री स्वामी श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी, श्री जी गोस्वामी जी, उन टीकाओं को, श्री चैतन्य चरितामृत की टीकाओं को उनको प्रस्तुत करने के लिए योग्य व्यक्तियों को उन्होंने पहचाना और पहचान करके उनको उस कार्य में नियुक्त किया। उनकी एक अन्य जो विशेषता रही वह संगठन, और अभी एक बहुत सुंदर बात कह रहे थे कि जो महापुरुष होते हैं वे स्वयं ही संस्था होते हैं, वे स्वयं ही मठ होते हैं, उनसे मठ उत्पन्न होते हैं, वे किसी मठ के भाग नहीं होते। और ये बात श्री महाराज जी के व्यक्तित्व में विशेष रूप से दिखती है। आचरण को जीवन में अपनाने के लिए जैसे उन्होंने प्रेरणा प्रदान की, वैसी प्रेरणा सदगुरु के रूप में कोई दूसरा नहीं दे सकता। गुरु के चार रूप हैं, गुरु के पांच रूप हैं। एक गुरु है चैत्य गुरु, दूसरा गुरु है आचार्य गुरु, आचार्य चैत्य बहुशा स्वगति जनक। परंतु चैत्य गुरु के अर्थात अंतर्यामी जो गुरु है, उस गुरु की आज्ञा को हम कभी मानते हैं कभी नहीं मानते हैं, वो प्रत्यक्ष नहीं है, इसलिए उसकी आज्ञा को हम कभी मानेंगे कभी नहीं मानेंगे, कभी अवहेलना भी करते हैं। एक प्रधान गुरु जो मुख्य उपदेशक है वह आचार्य ही है, और आचार्य के चार स्वरूप हैं। आचार्य का एक स्वरूप है श्रवण गुरु, दूसरा आचार्य गुरु है वो है शिक्षा गुरु, तीसरा आचार्य गुरु है दीक्षा गुरु, और चौथा आचार्य गुरु है सद्गुरु। ये चार तो है आचार्य गुरु, और पांचवा गुरु है चैत्य गुरु अंतर्याम। ये पांच गुरु हैं, इनमें चैत्य गुरु की बात हम कभी मानते हैं कभी नहीं मानते, परंतु तो आचार्य की बात को हम मानते हैं। इनमें जो विशेष रूप से श्रवण गुरु होकर के श्रवण कराते हैं, श्रवण से ही सारे भय की निवृत्ति होती है। जब कोई ये कह दे कि नायन सर्प रजोयम, ये सर्प नहीं है ये तो रस्सी है, तो भय दूर हो जाएगा। श्रवण मात्र से भय की निवृत्ति हो जाती है। रस्सी के ऊपर पैर पड़ा, किसी माला के ऊपर पैर पड़ा, आदमी चौंक रहा है, हाय सांप। पंत कोई दूसरा कह दे नहीं नहीं ये सांप नहीं है ये तो रज्जु है, इतना मात्र कहने से भय की निवृत्ति हो जाएगी। वो रज्जु कभी भी काट नहीं सकती है, त्रिकाल में भी काटेगी नहीं। पंत बहन के द्वारा जिसका रस्सी के ऊपर पैर पड़ा है वो व्यक्ति कांप जाएगा, उसके मुंह में झाग आ जाएंगे, उसको मूर्छा आएगी, मृत्यु भी हो सकती है, जबकि उस रस्सी ने कभी काटा नहीं और त्रिकाल में भी वो काट नहीं सकती। परंतु वहम के द्वारा, भ्रम के द्वारा भी कष्ट परिपूर्ण रूप से प्राप्त हो सकते हैं। परंतु श्रवण गुरु की इतनी महिमा है कि यदि कोई कह दे कि नहीं ये रस्सी नहीं है रस्सी है या सांप नहीं है, इतना कहने से सारे भय और मृत्यु का जो भय है उसकी भी निवृत्ति हो जाएगी। इसलिए श्रवण गुरु की विशेषता, श्रवण गुरु के साथ में केवल उपदेश दिया जाए और स्वयं यदि वह उपदेश जीवन में उतरा नहीं और उपदेश देने वाला यदि प्रभावित नहीं कर रहा है तब भी कार्य नहीं चलेगा। इसलिए दूसरे गुरु की आवश्यकता है, वो है शिक्षक, जिनके पास में बैठ करके हमको भजन करने की शिक्षा प्राप्त होती है। वे शिक्षा गुरु ही हमारे जीवन को आगे ले जाने वाले हैं। रामानंद संप्रदाय में आज की एक परंपरा है, दीक्षा लेने के बाद में शिष्य से कह दिया जाता है कि बेटा जाओ चार धाम कर आओ। तत्वतः वो चार धाम करना नहीं है, श्री दीक्षा गुरु ने कृपा करके शिष्य को शिक्षा
हमको उनको समर्पित कर दिया। और कई बार तो ऐसा है कि दीक्षा गुरु वे भी पीछे रह जाते हैं, जिनके पास में रहकर के शिक्षा प्राप्त की वे ही कहीं प्रधान हो जाते। रूप सनातन ने कहीं दीक्षा प्राप्त की होगी, वैष्णव तो पहले ही महाप्रभु के मिलन के बहुत पहले ही वे गोपाल मंत्र के प्रश्न कर चुके हैं, दीक्षित तो होंगे ही, परंतु श्री सनातन गोस्वामी श्री रूप गोस्वामी जी जहां अपने शिक्षा गुरु का ही विशेष रूप से उल्लेख करते हैं, सनातन गोस्वामी जी का ही गुरु के रूप में उल्लेख करते हैं, तो एक स्थिति ऐसी आती है जिसमें दीक्षा गुरु भी पीछे पड़ जाते हैं, पीछे छूट जाते हैं, जिनके पास में रहकर के साक्षात शिक्षा प्राप्त की उनकी ही महिमा विशेष रूप से प्राप्त होती है, क्योंकि परंपरा से तो वे परम वैष्णव रहे होंगे, कहीं कहीं दीक्षा उनको मिली गई हो, परंतु गुरु रूप में विशेष रूप से स्मरण कहीं शिक्षा गुरु का हुआ, तो शिक्षा गुरु की बहुत बड़ी विशेषता है। और शिक्षा गुरु में भी श्री गुरुदेव की कृपा के द्वारा यदि आत्मदीप यदि कोई हो जाए तो उसकी कहना क्या। भगवान बुद्ध कहते हैं आत्मदीपो भव, तुम अपने दीप दीपक स्वयं बनो। तो कहीं से ज्ञान प्राप्त करने की जो अभिलाषा है, ज्ञान प्राप्त करने की जो दृष्टि है, वो विजन मिल जाए तो एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो शिक्षा गुरु की अपनी महिमा है, परंतु शिक्षा गुरु के बाद में केवल शिक्षा गुरु ही प्राप्त करते रहे और यदि निरालंब होकर के रहेंगे तो काम नहीं चलेगा, इसलिए तीसरे गुरु की आवश्यकता पड़ती है। वो तीसरा गुरु है दीक्षा गुरु, पर दीक्षा गुरु की भी आवश्यकता है। दिव्यम ज्ञान यदो दत्या कुरिया पावस्य संक्षेप तस्मात दीक्षेत साथ प्रोक्ता, जहां दिव्यता प्राप्त हो और पाप का क्षय हो उसका नाम दीक्षा है। तो श्री प्रभु के साथ में सीधा संबंध जोड़ने के लिए कहीं न कहीं जैसे विवाह में पुरोहित की आवश्यकता पड़ती है, इसी प्रकार दीक्षा गुरु की आवश्यकता है, जो कि ईश्वर के साथ में परतत्व के साथ में शास्त्र शास्त्र पर्वत से जो ताप क्लेशानंद त्वरोभूत हो गया है, उस ताप क्लेशानंद को जो उत्पन्न करा दे और श्री प्रभु के साथ में संबंध जोड़ दे, उस दीक्षा गुरु की भी आवश्यकता है। परंतु दीक्षा गुरु के द्वारा जो संबंध स्थापित हुआ उस संबंध को भी परिणति में परम परम लक्ष्य के रूप में कोई प्राप्त कराने वाली वस्तु है, जो साधन है, जो श्रोत है, वह श्रोत होगा सद्गुरु। चौथा आचार्य गुरुओं में सद्गुरु मूलतः वर्त प्रदर्शक गुरु की भूमिका, गुरु शिक्षक बन जाते वर्त प्रदर्शक, हाँ वर्त प्रदर्शक शिक्षक बन जाते। तो सद्गुरु जो है उन सद्गुरु की स्थिति जो है वो ये है कि वो मान यदा त्यक्त समस्त कर्मा निवेदित आत्मा विचिकित्सकों में तदा मृतत्वाय प्रपद्यमान मैं आत्म भूयाय च कल्पते भाई। जिस समय श्री जीव ने श्री हरि नाम की दीक्षा प्राप्त की, साधक के हृदय में मैं अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करूं ये थोड़ी सी रुचि उत्पन्न हुई, इस रुचि रूपी ही क्यारी में श्रीमद गुरुदेव नाम के माध्यम से श्री कृष्ण भक्ति बीज को जीव के हृदय में बोते हैं। नाम है भक्ति लता बीज, और भक्ति लता बीज नाम उनको प्राप्त करके जीव के हृदय में, जिस जीव के हृदय में भ्रमित भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, कोई कोई भाग्यशाली जी जिसके हृदय में मैं अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करूं, ऐसा जीव यदि श्री गुरुदेव की शरणागति ग्रहण करता है, सन्निधि प्राप्त करता है, तो श्रीमद गुरुदेव उसे कृपा करके
भक्ति लता बीज रूप में श्री कृष्ण नाम देते हैं। भगवान के अनेक अवतार हैं, श्री नाम भी भगवान का एक अवतार, परंतु वो नाम अवतार ऐसे अवतार है जो नाम अवतार अन्य अवतारों की भी अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होकर के अधिक प्रभावशाली होकर के विराजमान। और जैसे ही स्पर्श मन न्याय से नाम जीव के हृदय में जाएंगे, जीव के कान में जाएंगे, उसका शरीर प्राकृत नहीं रहेगा। जैसे लोहे को पादस का स्पर्श होते ही लोहा स्वर्ण बन जाता है, इसी प्रकार श्री कृष्ण नाम की दीक्षा प्राप्त करते ही हमारे इसी शरीर में कोई चिन्मय शरीर की प्राप्ति हो जाती है। और जब चिन्मय शरीर की प्राप्ति हो जाएगी, उस चिन्मय शरीर के द्वारा ही ठाकुर की सेवा की प्राप्ति होगी। इसलिए दीक्षा के भाग में साधक को अर्चना का अधिकार प्राप्त हो जाता है। यदि दीक्षा नहीं है तो अर्चना के अधिकार की प्राप्ति नहीं। तो भक्ति लता बीज जैसे ही प्राप्त हुआ, वैसे ही साधक ने थोड़ा सा साधन करके यदि उसका सिंचन किया तो वो भक्ति लता बीज में दो अंकुर उत्पन्न हो जाएंगे, क्लेशग्नि और शुभा, मोक्ष लभता सुदुर्लभा, फिर भाव भक्ति और फिर सांदानंद विशेष आत्मा और श्री कृष्ण कृष्ण मता। यह प्रेम लक्षण भक्ति के माने साधक साधन भक्ति के द्वारा भाव भक्ति और भाव भक्ति के द्वारा प्रेम लक्षण भक्ति के उस तत्व को प्राप्त करेगा। और प्रेम के द्वारा श्री प्रभु जितने वशीभूत होंगे, इतना और कोई दूसरा वशीभूत नहीं होगा। तो जहां सद्गुरु की बात कर रहे हैं, सद्गुरु का तात्पर्य है कि जो स्वयं सिद्ध स्वरूप में विराजमान है, अंतश्चिंतित स्वरूप में जिनका कोई स्वरूप है, और वो स्वरूप कभी वे अपनी वाणी के द्वारा उसे कहीं प्रकट कर देते हैं कि मैं रमण मंजरी हूं, कि मैं अमृत मंजरी हूं। कोई जो स्वरूप है वो स्वरूप उनका कभी कभी प्रकट हो जाता है। साधन में भी अंत में जितना भी साधन किया गया है, उस साधन का परम परिणाम अंत में श्री प्रियालाल की सेवा करना ही है। जहां पर ऐश्वर्य पीछे हो जाए और श्री प्रभु के साथ में जो लौकिक संबंध भाव, एक शब्द का प्रयोग श्री सनातन गोस्वामी जी बृहद भागवत मंत्र में बहुत मान्य करते हैं, और साधन पद्धति में वो शब्द बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। अंत में जितना भी भजन है, उस भजन का अंतिम परिणाम इस शब्द के अर्थ को समझना ही है, इस शब्द के भाव को धारण करना ही है। और वो फ्रेज दिया श्री सनातन गोस्वामी जी ने, लौकिक संबंध भाव, श्री ठाकुर के साथ में, श्री प्रिया जी के साथ में, श्री प्रिया जी के ललता विशाखा आ रहे, जितनी भी सखी श्री मंजरी आ रहे, उनके साथ में मेरा लौकिक संबंध क्या है। इस लौकिक संबंध भाव को प्राप्त करना यही है मुख्य वस्तु। और अंत में जाकर के लीला का प्रवेश होगा। सत अंत में सत वस्तु कौन सी है? सत वस्तु जगत तो नहीं है, जगत को तो असत कहा गया। अंतिम जो वस्तु है वह है सत वस्तु, वह है श्री प्रियालाल की नुकुंज मंदिर में साधक को कहीं प्रवेश की प्राप्ति हो, और वह उसी लौकिक संबंध भाव के द्वारा श्री यौथ की उपासना में श्री रूप मंजरी के अंतर्गत, या अपनी जो आचार्य मंजरी है उन आचार्य मंजरी के अंतर्गत श्री विशाखा जी जो युद्धेश्वरी है, उन युद्धेश्वरी के अंतर्गत श्री रूपमंजरी, और रूपमंजरी के अनुगत जो निज आचार्य मंजरी है, उन आचार्य मंजरियों के युद्ध के अंतर्गत अवस्थित होकर के वह सेवा करे, यही तो सत्संग है। सत्संग हम जिस अर्थ में, जिस बिखरे हुए अर्थ में लेते हैं, उसको यदि समेकित किया जाए, उसको कंसोलिडेट किया जाए, तो
तो कंसोलिडेट करने में सबका तात्पर्य होगा जो सत पदार्थ है वो सत पदार्थ क्या है। सत पदार्थ है श्री नित्य निकुंज की श्री प्रिया काल की वो लीला, वही मूल रूप में सत है, वह अपरिणामी होकर के विराजमान है, वह लय विक्षेप से रहित होकर के विराजमान, जो लय विक्षेप से रहित वस्तु है वही वास्तव में सत है। जगत की जितनी भी वस्तु है उनमें या तो लय है या उनमें जायते अस्थि वर्धते विपणन्ते अपक्षीयते विनश्यति, ये ट्रांसफॉर्मेशन है, विक्षेप है। परंतु जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो, जिसमें डिसॉल्वेशन नहीं हो, ऐसी जो वस्तु है वो ही सत है। और उस सत्स्वरूप को जो प्राप्त कराए उन गुरुदेव का तो कहना ही क्या, उनका नाम है सद्गुरुदेव। वे सद्गुरुदेव जिस समय माथे के ऊपर हाथ रखते हैं तो जीव के भी उस लौकिक सद्बंध भावमय जो निकुंज स्वरूप है उसकी प्राप्ति हो जाती है। और जिन्होंने कृपा कर उस स्वरूप की ओर जीवों को प्रस्तुत किया, उस स्वरूप की ओर आकर्षित किया, उन श्री गुरुदेव के कृपा से उनका जो अपूर्व अवदान है और जीव के ऊपर जो अपूर्व अनुग्रह है उस अनुग्रह से कभी भी दूर नहीं हो सकते हैं, उसकी उसका कोई प्रतिकार नहीं किया जा सकता है। वे श्री गुरुदेव आज भी हमारे सामने कमठ दीक्षा प्रदान करते हुए हमारे सामने विराजमान। दीक्षा तीन प्रकार की है, एक दीक्षा है पक्ष दीक्षा, दूसरी है दृष्टि दीक्षा। आज श्री गुरुदेव पक्ष दीक्षा देने के लिए जैसे एक चिड़िया का चिड़िया अपने अंडे को अपने पंखों से ढांक करके प्रेरणा प्रदान करती है, इस रूप में विद्यमान प्रत्यक्ष रूप में हमारे पास में नहीं है, पक्ष दीक्षा देने के लिए अभी वे उपलब्ध नहीं है, दृष्टि दीक्षा के द्वारा भी वे उपलब्ध नहीं है। परंतु कमठ दीक्षा के रूप में आज भी कछुए का जो बच्चा है वो कछुए किनारे पर जल में खेलती रहती है, उसने अपने अंडों को रख दिया है रेती में कहीं किनारे पर, पर मन से चिंतन करती रहती है, इतने में ही उन बच्चों का पोषण हो जाता है। तो चिड़िया के पंख की तरह से अंडे को सेचना वह संभव नहीं है, काल के प्रभाव से लीला के प्रभाव से। दृष्टि की तरह से जैसे मछली अपने बच्चों को आंखों से देखती रहती है, पर उस तरह से भी वे आज हमको उपलब्ध नहीं है, परंतु तो कमठ दीक्षा के रूप में आज के हमारे ऊपर अनुग्रह करते हुए मन से चिंतन करते हुए वे विराजमान है, और वे अपूर्ण रूप से उनकी कृपा हमारा पोषण करते हुए विराजमान है। उस कृपा को हम भूल नहीं सकते और उस कृपा को हम सहेज, यही सबसे बड़ी आज के इस जन्म महोत्सव का उनके द्वारा प्राप्त होने वाला हमको बधाई होगी। इसी बधाई को प्राप्त करने के लिए आज उनके श्री चरणारविंद में हम कोट कोट वंदन कर रहे हैं। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सबकी महाराज तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियतमे श्रीमद्भक्तिवेदान्तनाय नित्यनाम श्रीकृष्णाय रघुतने सुदर्शनधन्यवदगुणेशयुक्तं परं वरिणं पुरुषमहं त्वं नरे नमतां शिरसा नमामि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्रीराधा कृष्ण गोपी गोपवृंदावनात्मक श्रज मंगल धाम की जय। जय वैष्णव की जय। इजाक्षे भाई पर वेर बिल अमल बिल संसीज और बड़ी सौर तू शिशि गुरु गोराम या गंडा बिकर जुलारी श्रीराधा बिंदु बिहारी जो राधा कृष्ण जी को की जय। आयोग वैद्य नवत्रणा श्री गोपवृंदावन
not here today for the Mahamahamsa of Vibhavati Devi Shidananda Goswami Maharaj. Very surprised that I have been asked to speak something today. I thought everybody will speak something today. And my English is also, my Hindi is not available today. Hindi. Hindi, yeah. Anybody speaks French here? Nobody, yeah. Okay, so I give. So I was very lucky when I met Gurudev because since I was baby, I am a restless person. I wanted to travel all over the world, you know. And one time coming back from Vrindavan in Mathura, I climbed the first steps of the temple. And who I found Srila Gurudev was there. And he looked in my eyes and he said, "Oh, I want you to become my bodyguard." I couldn't believe that I was stunned. I said, "What did he say? I want you to become my bodyguard." I thought, wow, this is my dream, my childhood dream, to travel all over the world. So I didn't know what to speak, what to say, what to think. And I thought something just to say something. I said, "And what will be my other service when I will be next to you?" Then he said, because nobody is going to attack you every day. So he said, oh, you will chant more, and you will learn and read more. So I said, I have no brain for that. I don't have a very good practice of chanting so many rounds, and I don't read so much. I'm just an ordinary person. And then Gurudev said, "No problem. I will adjust your brain. I will take out your brain, I will put my brain into your brain. And then in this way you will be able to follow it like exactly like this." So I was so happy. And then he told me, "You see, you are very, very big, very, very strong, very, very tall, and I am very skinny. But actually you are, inside you, there is zero, nothing. You see, and look at me, I have nothing to show. But inside I have atom bombs." You know? Then he was fearless. So I traveled with him and I was very, very amazed. You know, I thought, oh, this is something new coming down. I never heard this such a production. He spoke Royal Ananda Sambhad, like, I couldn't believe it. I just recorded everything and I put a book on that topic. It was so nice. I never heard so many things about this Royal Ananda Sambhad, like what Gurudev spoke in that time. So I thought this is really, really amazing, you know. And actually, he planted in our hearts so many potential seeds of bhakti that even though I was very new and I couldn't understand all the languages that he was speaking, this bhakti language, and I was trying to hear, but still, Sukriti was not matured, but still I was there, and whatever he told, maybe some little glimpse came into my heart, and that glimpse actually, that little sprout, is eternal, because the words of Guru are eternal, they never disappear. They are there once and for all. We just have to get back to the time where we heard these things and where we listened to it. And when the Gurudev spoke, then everything is there in a stockage in our heart. Yeah? The heart is a place where everything which ever heard, transcendental vibration, is still alive. There's no other place in our life that like this heart. One time I asked Gurudev, "You said we should meditate on Krishna's pastimes." And Gurudev said, and I asked, "Should we read any book and find some pastimes of Radha and Krishna and meditate on them?" And he told me, "No, you should remember the pastimes that I told in my classes. And then this pastime will wake up in your heart. And they will manifest some transcendental realization." So therefore,
I understood what was the process of being a disciple. Although I am not feeling like I was a disciple and I am still not a disciple, but I felt that this is the way that we have to connect with Gurudev, and the connection is available at every moment, every time, and it is eternally present. So we have never lost to Gurudev. We will never be lost to Gurudev. We will be always with him through the transcendental sound vibration that he left in our heart. Pundarik Prabhu can also witness he was there. And you see, everything is also there in his heart. He's ready to speak so many millions of things. So we are just like that. All his disciples have been blessed by this mercy of Gurudev, transcendental words. You know, those words are actually made some effect in our heart. Yeah? As we were not so much mature at the time, now we feel that something has happened to us, a little change. And some are big changes, me, myself, little change. I was such a restless person and restless also, right? Other things also. But something has come to us in a very, very beautiful way. And Gurudev was the expert transmitter of that wonderful blessings and mercy. So Gurudev's mercy is still available. We can take it as we want, as when we want and where we are, anytime. And if we capture some of our of these glimpses that he left for us, then we will be successful anytime. So this is very, very comfortable position to be a disciple of such a wonderful Acharya, Shri Gurudev. I think he was Diksha, Shiksha, Shravan, every guru was there in presenting him. He was such a humble devotee. And also he taught us the main activities of a disciple to develop faith, faith in Shastra, faith in his words, faith in everything. He taught us four things which were very, very important, which in Bhakti Sandarbha Shri Rajiv Goswami speaks about. The first thing is that we should always, never stop bhajan. Always doing bhajan. Whatever happens, we should make bhajan like our life and soul, like Haridas Thakur. This is a very high level class of example, but on our level, we should never, never stop just chanting, listening, and sadhu sangha. This is one of the first symptoms of shraddha, of Sauri or shraddha. The second symptom that Gurudev told us is that we should never make any offenses knowingly to anybody. Yeah? Offenses is like a white elephant who will destroy the garden of our bhakti lata. So be careful about this. Gurudev says stay away and very far away from offenses. This is the second symptom of shraddha. The third symptom of shraddha is that Gurudev told many times, don't make any nonsense in front of anybody or even secretly. Don't do any nonsense. Don't aggravate your anartha. You should go from bhajana kriya, anartha nivritti very, very fast. Don't do anything which aggravates the situation that we are in right now. So this is the third symptom. And the fourth symptom of shraddha is that he told us, stay always away from lava, pucha and pratishtha. These are the four symptoms which are spoken by Jiva Goswami in Bhakti Sandarbha. And Gurudev, all his life, from beginning to end, from babies to old and very advanced devotees, he said, be careful about these things, stay very, very far away. So now we are trying to do this, to follow this, in the association of Vaishnavas, who are always very smiling and always very kind. So I am very happy today. I could spoke a little Puspanjali to my Gurudev. I think the blessing is with you, and I see that your eyes, Gurudev, is reflecting in all of your eyes and hearts. So we are very happy to be here. This is the best place in the world today where to be. So I am very happy I am here, partially, maybe extensionally, or somehow other I am here. Thank you so much. Once you have a हरे कृष्णा स्कूटी ब्लू कलर का यूपी 85 40 71 अपने बाइक में चाबी छोड़ के आए हैं हरे कृष्णा देखो
हमारे गौड़ीय संप्रदाय में कहते तीन मृदंग है। एक तो साधारण मृदंग है जिसका आवाज थोड़ी दूर तक जाती है, एक होता है बृहत मृदंग, बृहत मृदंग मतलब ये ग्रंथ है, और एक जीवंत मृदंग जो साक्षात रूप में जो भगवत भक्ति को प्रचार करे, महापुरुष का जो भविष्यवाणी को जो बुला करे। यदि ये तीनों मृदंग में हमारे श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज ये तीनों में ही परिपूर्ण रूप में थे। पहला मृदंग है जो साधारण मृदंग जो बजती है और भगवत कीर्तन है। मैं जो सबसे पहले मंदिर में आया, जैसे हर कार्तिक महीना में जो नमामि स्वरम सच्चिदानंद रूपम ये भजन को गाते हैं सबके सब, लेकिन मैंने केवल मथुरा में आकर गुरु जी को पास में देखा, ये भजन को गुरुदेव जब गाया करते थे, गुरु जी की कला ऐसे है जैसे कोयल जैसे कूकती है। अगर कोई भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज के पास में कीर्तन सीखना आते थे, गुरुदेव बोलते जाओ गौर नारायण के पास में जाओ, उससे ही भजन कीर्तन सीखो। इसलिए इनका जो गला इतने सुंदर, जो लोग सुने होंगे बड़े सुंदर जैसे कोयल जैसे वो जो भजन गाते थे, मैंने कहा भैया ये पहला बार सुन रहा हूँ कि नमामि स्वर कीर्तन को कोई भजन रूप में इतने सुंदर गले में गा रही, ये पहला मृदंग है। दूसरा मृदंग है बृहद मृदंग। बृहद मृदंग को कहते हैं ये जो ग्रंथ प्रकाशन आदि करना, ये गुरुदेव की मुझे लगता है हिंदी भाषियों के लिए हमारे महाराज की जितने अवदान हैं, विशेष करके गौड़ीय ग्रंथ को ट्रांसलेशन करने में, उसको प्रकाशन करने में अगर सर्वश्रेष्ठ किसकी कोई अवदान है, हमारे श्रील भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज, इन्होंने जितने ग्रंथों को हमारे संप्रदाय ग्रंथों को उन्होंने ट्रांसलेशन किया ना, ऐसे कोई ग्रंथ छोड़े नहीं जो ग्रंथ को उन्होंने ट्रांसलेशन नहीं किया है। इसलिए श्री भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज मेरे गुरुदेव जो वेदांत सूत्रों को उन्होंने प्रकाशित किया, वो कहते हैं, वो एक बहुत बड़ी बात कहते हैं, वो ये कहते हैं जगत में सबसे बड़े दानी कौन है। यदि जगत में सबसे बड़े दानी हुए हैं, जैसे गोपियां कहती है ना, तब कथा अमृतम ताप्तजी एवनाम कभी वीरे रीतम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदातत भुवि गृणन्ति ते पूरिता जना। जगत में सबसे बड़ा दानी हुए हैं जो भगवत कथा को जो दान करते हैं, इसमें भी गुरुदेव का बहुत बड़ी अवदान है इस पर में भी। लेकिन वो एक बहुत एक अच्छी बात कहते हैं, बोले जब तक वो जिंदा रहेंगे तब तक हरि भक्ति को प्रचार करेंगे बात। लेकिन ये जो ग्रंथों को जो कथा को जो चिरस्थाई रूप में जब तक ये दुनिया रहेगा तब तक अगर ये ग्रंथ को कोई पढ़े तो, अगर ये ग्रंथ किसी कोने में अगर पहुंच गया तो उनकी वाणी वहां पर पढ़ करके भी जिनका कल्याण होता है। यदि ये कथा को जो चिरस्थाई रूप में अगर जो रख करके जाते हैं वो सबसे बड़े दानी। इसलिए महाराज जी जो सबसे बड़े दानियों में जो कथा तो दान किया ही है, महाप्रभु का जो भविष्यवाणी था पृथ्वी ते आचरित नगरादिग्राम सर्वत्र प्रचार है विवरणा सुखी है या लोक मर गाय विकृति, ये जो महाप्रभु का जो भविष्यवाणी को हमारे गुरुपाद पद में भी जी जान लगा करके उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी भी उन्होंने भ्रमण किया है, सर्वत्र महाप्रभु का वाणी को प्रचार और प्रसार किया। इसलिए कहती है जीवंत मृदंग रूप में, और कहती है जो बृहत जीवंत मृदंग और बृहत मृदंग दोनों में गुरुदेव कोई कमी नहीं थे। जब गुरुदेव ने ये बृहत मृदंग ग्रंथ को प्रकाशित किया है उसमें हमारे बहुत भक्त लोगों ने उसमें बहुत मदद किया है। इसमें हमारे बीच में एक हरिप्रिय प्रभु बैठे थे और यहाँ पर श्री पुंडरीक प्रभु बैठे हुए, इन लोग भी जिसमें ग्रंथ गुरुदेव ट्रांसलेशन करते थे और ग्रंथ को प्रकाशन, ये लोग भी महाराज के पास में, ये लोग बहुत ग्रंथ पुंडरीक प्रभु तो इतने किया पे जो देखा दिन रात बराबर कर दिया, यहाँ से वहां जाना वहां से वहां जाना बहुत उन्होंने किया, और प्रभु जी गुरुदेव के पास में बैठ करके सबको लिखना और सबका हर तरह का डिस्कशन करना प्रभु को
लेकर करते थे। इसलिए अभी हमारे से हरि प्रिय प्रभु यहाँ पर है, ये भी गुरु जी के चरण में कुछ श्रद्धा पुष्पांजलि प्रदान करके श्री हरि प्रिय प्रभु। तो महाराज को आए ना, महाराज ऊपर चले आसो जगह से, आज लज्जा क्या करते चक्षुर्मीलित तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः केशव शिष्याय गौर विष्णुप्रियाय च भक्तिवेदान्तयुक्ताय नारायणाय श्रीमते। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण आ गया, हरे कृष्ण आ गया, श्रीधर महाराज जी ने श्री गुरुदेव के विषय में कुछ कहने का आदेश दिया है। मेरी तो वाणी ही नहीं निकल रही, हृदय ऐसे ऐसे हो रहा है, क्या कहूं। तथापि उन्होंने एक दिशा दी है, उस दिशा में पहले से मेरा कुछ चिंतन किया हुआ तो नहीं है, पर तो कहने का प्रयास करूंगा। हरे कृष्णा हरि बोल। हरे कृष्णा, प्रभु जी जिस विषय पर बताने जा रहे हैं जो कि हमारी संप्रदाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है, जिस सिद्धांत को समझने पर हम कभी भी प्रभुपाद की धारा को हम कभी छोड़ नहीं सकते। प्रभु जी नवीन प्रभु उठाए जाते हैं, नवीन प्रभु उठाए, अरे बैठते जाते हैं ठीक बस बस बस। कभी कभी कुछ लोग श्री प्रभुपाद की धारा को ऊपर में कटाक्ष करते हैं, अरे ये लाल कपड़ा कहाँ से ले आए, और जितने बाबा जी लोग थे जितने सड़क गोस्वामी वो सब के सब तो सफेद कपड़े में थे, ये लाल कपड़ा लाए कहाँ से। कभी कभी कहते हैं ये गौड़ी मठ का तो कोई गुरु परंपरा ठीक नहीं, जिसको जिसको गुरु बनाए कोई गुरु परंपरा ठीक नहीं। फिर कहते हैं जो सन्यासी त्रिदंडी, ये त्रिदंड सन्यास कहाँ से आए, ये गौड़ी कपड़ा लाया कहाँ से। ऐसे करके कुछ लोग हमारे प्रभुपाद की धारा को जब देखते हैं, क्योंकि उनकी ईर्ष्या होता है, क्योंकि अभी आप देखोगे वृंदावन में जितने हमारे गौड़ीय तिलकधारी दिखेंगे उतना और कोई संप्रदाय के लोग इतना नहीं दिखेंगे। अब जिधर जा देखोगे दूसरे दूसरे संप्रदाय के वैष्णव तो है ही है, अगर ज्यादा कहीं आप देखोगे वृंदावन में कौन सा तिलक लगाए हुए देखोगे, ये गौड़ीय तिलक लगाए हुए देखोगे सर्वत्र, क्योंकि महाप्रभु का भविष्यवाणी था एक दिन पृथ्वी में सर्वत्र मेरे नाम गूंज उठेगा, सबके सब प्रसन्न होकर के मेरे नाम को ग्रहण करेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसे कुछ लोग हैं इसमें ईर्ष्यान्वित होकर के कभी कभी कटाक्ष करते हैं। इसलिए हमारे महाराज जी जो संप्रदाय को जो रक्षा करने में हमारे भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज का जो एक
बहुत बड़ा उनका प्रभाव था व उनका एक सिद्धांत था। उसी समय में हमारे महाराज जी एक पत्रिका ग्रंथ निकालते जिसका नाम था प्रबंध पंचक। इसमें पांच प्रबंध है। ये लाल कपड़ आया कहां से, ये त्रिदर्शी सन्यासी कहां से आया, गौर की वस्त्र आया कहां से, परंपरा कहते हैं किसको, भागवत परंपरा किया, शिष्य परंपरा किया है। श्रील प्रभुपाद ने जो विचारधारा को स्थापन किया, हमारे महाराज उसी ग्रंथों को स्थापन किया, जिसको सुन कर कुछ लोग जो उल्टा पुल्टा बोलते थे, गुरुदेव सीधा नाम को लेकर ग्रंथ प्रकाशित कर दिया, सारे नाम लेकर के। और जो लोग कटाक्ष कर रहे थे, ये प्रभु तो उस समय थे महाराज के पास में, सभी के अंदर में एकदम धड़कम मच गए, सबके अंदर धड़कम मच गया। बहुत कोशिश किया उन लोगों ने कुछ प्रतिवाद करने के लिए, लेकिन कोई प्रतिवाद नहीं कर सके। क्यों? उसमें जो गुरुदेव ने जो प्रमाण दिया था, उसने अपना मनमानी के प्रमाण नहीं दिए। उन्होंने सारे शास्त्र का कोटेशन करते हुए, कौन सा वेद, कौन सा पुराण में कहां कहां पर श्लोक है, ये सन्यासी और श्री गौर के वस्त्र ऊपर में उन्होंने कोटेशन दे करके श्लोकों को उद्धृत करते हुए दिया था। इसलिए कोई इसकी कोई भी इसका सही उत्तर नहीं दे पाए, इसके कोई सही सही उत्तर नहीं दे पाए। उसमें एक प्रबंध है जिसमें प्रभु जी का एक प्रबंध है, हरि हरिप्रिय प्रभु भी एक प्रबंध है। हम लोग चैतन्य संप्रदाय नहीं, हम लोग प्रभु मात्र गौरी संप्रदाय है, इसलिए प्रभु जी का भी उसमें एक प्रबंध में एक प्रबंध लिखा दी गुरु जी को। उन्होंने बहुत कभी मैंने प्रभु जी को इसी विषय पर बोलने के लिए कुछ बताए, जैसे हमारे गौड़ी वैष्णव सावधान हो जाए, इधर उधर थोड़ी कोई बात पढ़ करके प्रभुपाद व धारा को नहीं छोड़े, प्रभुपाद धारा में टिके रहे, इधर उधर भटके भटे नहीं। इसलिए इसी विषय पर वो ग्रंथ में किया, गुरुदेव क्या बताया ग्रंथ में, थोड़ी सी हीट देने के लिए प्रभु को मैंने प्रार्थना किया था। हो सके तो प्रभु इसी विषय पर कुछ अच्छी विचार बताएंगे, आप लोग सुना। अगर कोई बोले तो जैसे उसको मुंह तोड़ जवाब दे सके, ऐसे नहीं प्रभुपाद के महापुरुष का निंदा सुन करके आ गए हाँ हाँ कर सके, ऐसे नहीं। क्योंकि हमारे जो मंदिर जो टिका हुआ सिद्धांत के ऊपर टिका हुआ है, इसलिए सिद्धांत समझना। भक्ति वेदांत पावन गोस्वामी महाराज एक बात कहते थे, वो कहते थे कि ये संप्रदाय को विचार को जो जितने गंभीर रूप में समझे हैं उसका भजन उतना ही परिपक्व है। वो कहते पावन गोस्वामी महाराज कहते थे, जो संप्रदाय का विचार को ठीक ठीक से रूप में नहीं जानते हैं, कहते भैया उसका भजन भी डामाडोल। क्यों? अपना गुरु परंपरा में तुम्हारी विश्वास भक्ति तुम्हारी कहां है? इसलिए हमें इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, सिद्धांत बलिया जीते नाकर बलस जा है ते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। सिद्धांत मान करके अलसता मत करो, जिससे भगवान के चरण में दृढ़ भावना तुम्हारी बनी रहेगी। प्रभु जी किसी विषय पर कुछ बोलेंगे प्रकाश डालेंगे। हठात महाराज जी ने मेरे सामने एक विषय उपस्थित कर दिया है, तो सभी तथ्यों का स्फुरन उस रूप में तो नहीं हो पाएगा, तथापि आप लोगों के समझने जो कुछ बातों का मैं प्रकाश करना चाहूँगा। महाराज जी ने अभी मृदंग और बृहद मृदंग इन दो शब्दों का प्रयोग किया। सामान्य मृदंग के विषय में हम लोग समझते हैं, कीर्तन करते समय मृदंग के साथ ताल के अनुसार हम लोग गान कर साधारण मृदंग, यह भी आवश्यक है। किंतु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने एक नए शब्द का आविष्कार किया, बृहद मृदंग, जो वाणी सनातन वाणी है उसका दिग्दिगंत में प्रसार करना, यह बृहद मृदंगता है। सामान्य मृदंग कीर्तन के समय उपयोगी है, किंतु बृहद मृदंग वह है जिसके द्वारा उस वैकुंठ तत्व का दिग्दिगंत प्रसार होता है। और इस बृहद मृदंग के भी दो भाव, एक तो जीवंत बृहद मृदंग जो अपने मुख से सारे संसार को भगवान की कथा सुनाकर उद्धार करते हैं,
यह है साधु पुरुष का। दूसरा जो बृहद मृदंग है वह चैतन्य स्वरूप होने पर भी, जैसे भगवान का धाम चैतन्य स्वरूप होकर के भी बाह्य रूप से जड़ जैसा प्रतीत होता है, वैसे ही भगवत लीलाओं को प्रकाशित करने वाले ग्रंथ समूह, भगवान के तत्व को प्रकाशित करने वाले ग्रंथ समूह, ये भी बृहद मृदंग हैं, किंतु साक्षात मुख से भगवत लीला का प्रचार करने वाले संतगण जीवंत बृहद मृदंग हैं, और ग्रंथ इत्यादि जो हैं ये ऐसे लगते हैं जड़ किंतु हैं चैतन्य। जैसे भागवत बाहर से देखने में क्या है, कागज का एक पुलिंदा की तो है, किंतु उसका यदि हम अनुशीलन करते हैं, उनकी हम अर्चना भी यदि करते हैं, तो उस अर्चना के द्वारा एक फल की प्राप्ति होती है, और यह बिना चैतन्य यह गुण नहीं हो सकता। तो प्रभुपाद जी ने मृदंग के साथ बृहद मृदंग का आविष्कार किया, जगत में प्रसार किया, और पूरे विश्व में दोनों प्रकार के बृहद मृदंगों का अनेक संख्यातीत कह सकते हैं हम, उन्होंने जगत को प्रदान किया। उस उनमें से हमारे श्री महाराज जी, असल में हम लोग जब मठ में थे तो महाराज जी को गुरुदेव कहने का प्रचलन उस समय नहीं था। शुरू में जब हम लोग थे तो हम लोगों के मुख पर यही शब्द चढ़ा हुआ है, आप लोग को बुरा नहीं माना, सत्य यही है हनुमान जी। तो महाराज जी हिंदी भाषा में गौरी संप्रदाय के दोनों मृदंगों का उन्होंने कार्य किया, मुख के द्वारा भी, भगवत कथा के द्वारा जीवों का कल्याण, और लेखनी के द्वारा अनेक ग्रंथों का प्रकाशन कर उस वैकुंठ की कथा को उन्होंने हम लोगों के लिए रख छोड़ा है, जिसका अनुशीलन करके हम लोग आज भी कृतार्थ हो गए। प्रभुपाद जी ने अपने मिशन का प्रारंभ किया तो अनेक प्रकार की नवीनता उसमें देखी जाती है। जो रूढ़िगत स्मार्ट समाज या स्मार्ट सिद्धांत को प्रधानता देने वाला वैष्णव समाज भी है, उनके लिए, उन लोगों के लिए इन बातों को पहचाना बहुत कठिन था। इसलिए बहुत अधिक परिमाण में उन विषयों का विरोध भी, और यह विषय 100 वर्षों से चला, आज भी समाप्त हो गया ऐसा नहीं है। उन विषयों को लेकर श्रील महाराज जी ने 2001 में शायद यह ग्रंथ प्रकाशित हुआ था, प्रबंध पंचकम नाम का एक ग्रंथ प्रकाशित हुआ, जिसमें कई विषयों का समावेश है। एक विषय तो संन्यास को लेकर है, दूसरा गुरु परंपरा को लेकर। महाराज जी ने अनुरोध किया गुरु परंपरा के विषय में कुछ कहने के लिए, इसलिए मैं अपनी वाणी की दिशा उधर ही रखूंगा, संन्यास के विषय में नहीं ले जाऊंगा। प्रभुपाद जी के समय तक एक प्रकार की ही गुरु परंपरा का लोगों में प्रसार था, लोग उसी को समझते थे, किंतु प्रभुपाद जी ने जैसे मृदंग से बृहद मृदंग इस शब्द का आविष्कार किया, वैसे ही गुरु परंपरा में भी उन्होंने एक नए शब्द का आविष्कार किया, भागवत परंपरा। सामान्य जो गुरु परंपरा है, इस गुरु परंपरा को पांच रात्रि की गुरु परंपरा कहते हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है।
इस परंपरा में गुरु के मुख से शिष्य के कान में मंत्र को प्रदान किया जाता है और संपूर्ण भारतवर्ष में इस परंपरा का बहुत प्रचलन है और अप्रामाणिक नहीं है, बहुत आवश्यक भी है। किंतु गौड़ी संप्रदाय में क्या हुआ, अन्य संप्रदायों में पंचरात्र की परंपरा में भी बहुत प्रतिबंध है, हर कोई व्यक्ति गुरु नहीं बन सकता। वर्णाश्रम व्यवस्था होने के कारण जो वर्ण संबंधी ऊंच नीच का भाव है यह भी होता है। इसलिए जो पूर्व के वैष्णव संप्रदाय थे, श्री रामानुज संप्रदाय, श्री संप्रदाय, श्री मध्व संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, बाकी जो भी चारों संप्रदाय हैं, उनमें यह प्रतिबंध बहुत अधिक है, क्योंकि उनकी भक्ति प्रायः मार्ग विधान के अनुसार जो तर्व मार्ग है और शुद्ध जो भक्ति है इसके साथ मिला हुआ है। किंतु गौड़ी संप्रदाय में यह प्रतिबंध उस रूप में उतना कठोर नहीं रहा, केवल दीक्षा के विषय में नहीं, वहां लौकिक व्यवहार में भी यह जो वर्णाश्रम की व्यवस्था है वह बहुत कठोर है। गौड़ी संप्रदाय ने वर्णाश्रम व्यवस्था को उनकी प्रधानता नहीं दी गई। दूसरी ओर जिस प्रकार के भजन की पद्धति गौड़ी संप्रदाय में रही, उस पद्धति का प्रचलन भी अन्य संप्रदायों में नहीं रही है। वह पद्धति कुछ श्रीनिवास संप्रदाय में है पर अन्य रामानुज संप्रदाय, मध्व संप्रदाय में नहीं। वह भजन की पद्धति ऐसी है जैसे माने मानो हम खुद के धाम, यदि हम अत्यंत सावधान नहीं है, अधिकार अनधिकार का विचार नहीं करते हैं, तो उस पथ पर चलते हुए दोष होने की संभावना बहुत अधिक होती है। और ऐसा गौड़ी संप्रदाय में हुआ, इसलिए गौड़ी संप्रदाय में अनेक प्रकार के अपसंप्रदाय आ गए। सिद्धांतों में बहुत प्रकार का मिलावट भी हुआ। उन सबको लेकर प्रभुपाद जी ने बहुत संघर्ष किया, इसलिए प्रभुपाद जी के विषय में रूपानुग विरुद्धात् सिद्धांत ध्वान कहा। रूपानुग सिद्धांत के विरुद्ध जो सिद्धांत है वह सिद्धांत जो है ध्वान है, अर्थात अंधकार है, और उसका नाश करने वाले कौन है, सिद्धांत श्री ठाकुर प्रभुपाद। तो प्रभुपाद जी ने तब यह कहा कि जो गुरु परंपरा पांचरात्र की है सिद्धांततः दोष नहीं है, किंतु जो व्यवहार चल रहा है इसका उसमें बहुत प्रकार का दोष है। क्यों, कोई भी गुरु बन रहा है, विशेषकर जो जाति गोसाई वाला परंपरा है जिसमें कि विशेष होते हैं परिवार, अमुक परिवार, ये परिवार, इन सब चीजों को प्रभुपाद जी ने स्वीकार नहीं किया। केवल कोई अमुक गोस्वामी महाप्रभु के परिकर के वंश के हैं, इसलिए वे दीक्षा देने के अधिकारी हो गए, वे ही योग्य हैं, इस सिद्धांत को नहीं माना। योग्यता के बिना यदि कोई गुरु का कार्य करता है तो वह परंपरा शुद्ध परंपरा नहीं हो सकती। पांच रात्र की परंपरा का दोष तो नहीं है, किंतु व्यवहार में यह दोष आ जाता है कि योग्य नहीं होने पर भी गुरु मंत्र तो प्रदान कर देते हैं, मंत्र तो प्रदान कर देते हैं, शिष्य उसी अभिमान के साथ अपना जीवन व्यतीत करता है, तो फिर क्या होगा।
इसलिए शास्त्र में दो प्रकार की पद्धति पहले से प्रभुपाद जी ने इसका आविष्कार नहीं किया उस रूप में। हम लोग भक्ति संदर्भ का अनुशीलन करेंगे, वहां उत्तम मध्यम और कनिष्ठ वैष्णव की जब बात आई है तो जीव गोस्वामी ने ही इस विषय को पृथक किया। हम बोलते उत्तम वैष्णव और शास्त्र में कहीं उत्तम वैष्णव का लक्षण ऐसा दिया गया तो वहां जीव गोस्वामी दिखाते हैं कि दो जगह उत्तम वैष्णवों के लक्षण में विरोध हो गया, तो फिर किस प्रकार समाधान किया जाए। तो वे कहते हैं यह जो लक्षण है यह पांच रात्रि की व्यवस्था में उत्तम वैष्णव है, मध्यम वैष्णव है और कनिष्ठ वैष्णव, और यह जो व्यवस्था है यह भागवत सिद्धांत के अनुसार भारतीय पद्धति से कनिष्ठ और उत्तम वैष्णवों का चैतन्य चरितामृत में भी पांचरात्रि की और भागवती परंपरा का सूत्रपात किया गया, एक ही प्यार है स्फुरित नहीं हो रहा। इसमें नाम कीर्तन वाली जो पद्धति है इसको श्रेष्ठ कहा गया, तो प्रसिद्ध हुआ है ना कृष्ण मंत्र है तो हाय संसार वचन कृष्ण नाम है तो पाय, इस तरह से वहां एक फलभेद को कहा गया है। उसी प्रसंग में यह विषय आया है कि यह पांच प्रमाण क्या है, इसका प्रमाण क्या है, इसका प्रमाण अपने आप में भागवत महापुराण ही है। भागवत महापुराण में भागवत के आविर्भाव की जो परंपरा है यह भी जीव गोस्वामी ने सिद्ध किया। भागवत का जो चतुश्लोकी है वह जीव गोस्वामी के अनुसार द्विभुज कृष्ण ने ही ब्रह्मा जी को साक्षात कहा। जीव गोस्वामी जिस परंपरा को सिद्ध करने जा रहे हैं उसमें आदि गुरु कौन है, गोपाल कृष्ण। गोपाल कृष्ण ने ही ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया। ब्रह्मा जी ने यह उपदेश किसे दिया, नारद जी को दिया। भागवत में नारद जी को ब्रह्मा का मंत्र शिष्य होने का उल्लेख नहीं, हो सकते हैं अन्यत्र कहीं हो सकते,